42 इज हियर अभिवादन आप सभी का इस नए वीडियो में। अर्थ रिदम के ढेर सारे प्रोडक्ट्स मार्केट में उपलब्ध है और आपने बहुत सारे प्रोडक्ट इस्तेमाल किए भी होंगे और हमने भी इस कंपनी के कई प्रोडक्ट आपको पहले रिकमेंड किए हैं। तो कैसे हैं इस कंपनी के प्रोडक्ट्स, यही जानेंगे आप इस वीडियो में, जिसमें मैं बात करूंगा कि अर्थ रिदम के कौन से प्रोडक्ट्स आपको करने चाहिए पिक और कौन से किक, ये और इसके अलावा और भी बहुत कुछ है इस वीडियो में आपकी जानकारी के लिए। अन्य वीडियो की तरह पिक और किक सीरीज के इस वीडियो में मैंने थोड़ा सा चेंज किया है। आज मैं आपको सिर्फ उन प्रोडक्ट्स के बारे में इस वीडियो में बताऊंगा जिनको बनाने के लिए कोई भी टॉक्सिक इंग्रेडिएंट्स जैसे पीजी, फिनॉक्सी एथेनॉल, आर्टिफिशियल फ्रेग्रेंसेस, पॉलीसॉर्बेट, डाइसोडियम एडिटा जैसे इंग्रेडिएंट्स नहीं इस्तेमाल किए गए हैं। तो आइए अब बात करते हैं अर्थ रिदम के पिक सीरीज के प्रोडक्ट्स कौन से हैं जिन्हें आप बेफिक्र होकर खरीद सकते हैं। इस श्रृंखला में सबसे पहले हमने एनालाइज की फेस सीरम की इंग्रेडिएंट लिस्ट और नंबर वन पर जो ब्रांड मैंने रखा है वो है विटामिन ई एंटीऑक्सीडेंट फेस सीरम। नंबर टू पर है ग्लो ड्रॉप ब्राइटनिंग सीरम। नंबर थ्री पर है स्किन स्मूथनिंग सीरम। नंबर फोर पर है 100% ऑलिव एंड एस्कोलिन प्लांट बेस्ड सीरम। नंबर फाइव पर है 10% मैंडेलिक एसिड सीरम विथ हेलुरोनिक एसिड। नंबर सिक्स पर नाम आता है एडवांस रिपेयर स्किन सीरम का। और नंबर सेवन पर है 100% सुगर एस्कोलिन प्लांट डिराइव फेस सीरम। इन प्रोडक्ट्स को बनाने के लिए कोई भी टॉक्सिक इंग्रेडिएंट इस्तेमाल नहीं किए गए हैं और इसमें कोई टॉक्सिक प्रिजर्वेटिव भी नहीं मिला है, इसीलिए आप इन्हें बेफिक्र होकर न सिर्फ खरीद सकते हैं बल्कि लंबे समय तक इस्तेमाल भी कर सकते हैं। अब आइए बात करते हैं अर्थ रिदम के फेस ऑयल्स की। तो फेस ऑयल की श्रृंखला में सबसे पहला नाम है ब्रूटी कोल्ड प्रेस्ड ऑयल का। इसके बाद नाम आता है तमानू फेसियल ऑयल। इसके बाद हमने देखा पोमोग्रेनेट फेसियल ऑयल की इंग्रेडिएंट लिस्ट, ये भी एक अच्छा प्रोडक्ट है। पैशन फ्रूट कोल्ड प्रेस्ड ऑयल एक अच्छा फेसियल ऑयल है। रोजहिप सीड फेसियल ऑयल भी 100% प्योर है। आमला फेसियल ऑयल, टर्मरिक फेसियल ऑयल, सेंटिला एस्टिका फेस ऑयल के अलावा ब्राजीलियन नट कोल्ड प्रेस्ड फेसियल ऑयल के साथ में प्रकैक्सी गोल्ड प्रेस्ड फेसियल ऑयल के साथ विविटार फेसियल ऑयल, कुकी नट फेसियल ऑयल, नेटल फेसियल ऑयल, रिवाइव ओवरनाइट जेल के अलावा सेम म्यूकिन रिन्यू ओवरनाइट जेल के साथ फाइटोजेल विथ सेंटेला एस्टिका एंड हॉर्सटेल एक्सट्रैक्ट बहुत अच्छे प्रोडक्ट हैं जिन्हें आप खरीद सकते हैं। अगर आपको ये प्रोडक्ट अन्य ब्रांड्स की तुलना में कम कीमत पर मिलते हैं तो आप इन्हें लंबे समय तक बेफिक्र होकर इस्तेमाल कर सकते हैं। अब आइए बात करते हैं अर्थ रिदम के क्लेंजिंग बफ के बारे में। तो व्हाइट टर्मरिक पाउडर क्लेंजिंग बफ, चारकोल नोनी पाउडर क्लेंजिंग बफ के अलावा नीम एंड एलोवेरा पाउडर क्लेंजिंग बफ अच्छे प्रोडक्ट हैं। साथ ही हिबिस्कस रोज पाउडर क्लेंजिंग बफ, माचा मोरिंगा पाउडर क्लेंजिंग बफ अच्छे प्रोडक्ट हैं। इसमें कोई टॉक्सिक इंग्रेडिएंट नहीं है, आप इसे खरीद सकते हैं। अब आइए बात करते हैं अर्थ रिदम के फेस टोनर के बारे में। तो दमस्क रोज जरेनियम फेस टोनर एक अच्छा प्रोडक्ट है। साथ ही ग्रीन टी एंड कुकुम्बर फेस मिस्ट, बम्बू एंड कोकोनट फेस मिस्ट, लेवेंडर एंड विविटार फेस मिस्ट के अलावा ऑरेंज और हेलिचेरिसम फेस मिस्ट एक सेफ प्रोडक्ट है। ये सभी प्रोडक्ट टॉक्सिन फ्री हैं और आप इन्हें खरीद सकते हैं। आपको कंपनियों के दावे पर नहीं जाना चाहिए। अगर जो ब्रांड्स कहते हैं वो सच हो जाए तो आज भारत में लोगों के स्किन टेक्सचर और टोन में बहुत परिवर्तन आ जाता। भारत में चेक और बैलेंस का ऐसा कोई सिस्टम नहीं है और कानून के हाथ इन कंपनियों के मालिकों तक कभी नहीं पहुंच पाते। ऐसे में इंग्रेडिएंट को पढ़ना और समझना और ऐसे प्रोडक्ट्स में अपने पैसे डालना आपकी जिम्मेदारी है जिनको बनाने के लिए कोई टॉक्सिक इंग्रेडिएंट नहीं इस्तेमाल हो। अब आइए बात करते हैं अर्थ रिदम के हेयर कंडीशनर के बारे में। तो जो हेयर कंडीशनर हमने एनालाइज किए उनमें कुछ ऐसे प्रोडक्ट हमें लगते हैं कि बहुत सेफ हैं जिन्हें आपको खरीदना चाहिए। उसमें सबसे पहला नाम है सॉलिड कंडीशनर बार आर्गन एंड ब्लैक कैस्टर ऑयल। इसके अलावा आप तमानू कोकोनट और कैमेलिया ऑयल वाला हेयर कंडीशनर बेफिक्र होकर इस्तेमाल कर सकते हैं। वहीं अगर हेयर ऑयल्स की बात करें तो अनियन एंड बायोटिन नॉरिशिंग हेयर ऑयल एक अच्छा प्रोडक्ट है, इसे आप खरीद सकते हैं। इनके कई सारे हेयर सीरम भी अच्छे वाले आते हैं। इसमें सबसे पहला नाम है अनियन करी लीफ तमानू ऑयल हेयर सीरम।
इसके बाद नाम आता है कमेलिया जमैकन ब्लैक सीड ऑयल हेयर सीरम का। नीम मोरिंगा एंटी ट्री हेयर सीरम एक अच्छा प्रोडक्ट है। साथ ही फेनोग्रीक टमरिंड फ्रूट और सिकाकाई हेयर सीरम आप बेफिक्र होकर इस्तेमाल कर सकते हैं। फाइटोकल सुपर स्मूथ हेयर सीरम अच्छा प्रोडक्ट है। अगर आपको ये हेयर सीरम कॉस्ट इफेक्टिव लगते हैं तो आप इन हेयर सीरम्स को इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने पहले भी अपने कई सारे वीडियोस में इन प्रोडक्ट्स को रिकमेंड किया है, साथ ही मैं स्वयं भी इनके हेयर सीरम इस्तेमाल करता हूँ। अब आइए बात करते हैं बॉडी लोशन की। अर्थरिदम के कई तरह के बॉडी लोशन आते हैं, लेकिन ऑलिव जेल मल्टीपर्पज सेल एक बहुत ही सेफ प्रोडक्ट है जिसे आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इनके कई सारे मेकअप प्रोडक्ट्स भी आते हैं। इनमें अगर बात करें तो लिप एंड चीक टिंट, इसके अलावा लिप मास्क पेप्टाइड, लिप बटर हेलोरोनिक एसिड और बीट रूट लिप मास्क के साथ लिप बटर शिया और ऑलिव आप बेफिक्र होकर खरीद सकते हैं। इसमें कोई भी टॉक्सिक इंग्रेडिएंट नहीं है। और अगर आई केयर की बात करें तो जस्ट विंग इट इंस्टेंट डबल वाटर वीगन काजल खोल पेंसिल एक अच्छा प्रोडक्ट है। अगर हम मेकअप रिमूवर की बात करें तो जेंटल क्लेंजिंग ऑयल और मिसलर वाटर टॉक्सिन्स फ्री और सेफ प्रोडक्ट है। आपको अपने पैसे इन प्रोडक्ट्स में डालने चाहिए। तो ये थी अर्थरिदम के उन प्रोडक्ट्स की लिस्ट जिन्हें आप बेफिक्र होकर खरीद सकते हैं। इनको बनाने के लिए ध्यान रखिएगा पीईजी, फिनॉक्सी एथेनॉल, फ्रेग्रेंसेस, फैलेट फ्री फ्रेग्रेंसेस, इफ्रा सर्टिफाइड फ्रेग्रेंसेस, सब एक ही नाम है। ऐसे किसी भी प्रोडक्ट को आपको नहीं इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि इनके इस्तेमाल से आपको लंबे समय में कई तरह की ऐसी स्वास्थ्य समस्याएं हो सकती हैं जिनको कोई भी डॉक्टर कभी ठीक नहीं कर सकता। तो ये था आज का वीडियो जिसमें मैंने सिर्फ उन प्रोडक्ट्स को रखा है जिनको बनाने के लिए कोई भी टॉक्सिक इंग्रेडिएंट नहीं इस्तेमाल किए गए हैं और आप इन प्रोडक्ट्स में अपने पैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं। बाकी आप समझदार हैं। और अगर आपको ये चेंज अच्छा लगा हो तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।